अपने एजेंट, आप कम से कम हम बीजेपी के साथ तो नहीं कर रहे ना, तो पहले बीजेपी का हिसाब दें। उन्होंने अभी तक तो बीजेपी को यहाँ लाने पे माफी नहीं मांगी, तो हमारे अलायंस को छोड़े ना, पहले अपने अलायंस का जवाब दें। अभी तक तो अपने अलायंस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आखिर क्या मजबूरी थी जब 2015 में हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बीजेपी को यहाँ लाने की क्या मजबूरी थी? जरा वो इस बात का जवाब दें जो इल्जाम अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब ने लगाया। 2014 के इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के साथ पीडीपी के संबंध बने हुए थे और वो इस चीज में शामिल थे। हमारा अलायंस छोड़िए ना, अब हमारा तो सबके सामने, अब दिल्ली की बनी हुई पार्टियां यहाँ ज्यादा देर चलती नहीं है, और ये सिर्फ उन्हीं का हाल नहीं, अब आप डीपी वो क्या है एपी डीपी आजाद साहब की पार्टी, उनका हाल देखिए ना। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि डेट एंड वेन्यू और टाइम सेट करें जहां आना, मैं बहस करने को तैयार हूँ। 370 के बाद क्या बदलाव हुए? अरे तरुण चुग है कौन, मैं उससे क्यों बहस करूं ना, वो है नेशनल पार्टी ने आपका मैनिफेस्टो डिस्कस किया, ये बड़ी अच्छी बात। दो चार दिन ये सोशल मीडिया पर रहा, किस तरह देखते हैं? मैं तो इसको अपनी कामयाबी समझता हूं। नहीं तो कहां हम लोग, छोटी पार्टी, मुश्किल से 2 MP भेजे हमने दिए, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारा मैनिफेस्टो पढ़े, या चलिए कुछ पूरा ना पढ़ा हो, कुछ तो उनको पढ़ाया गया है, और उसके बाद चलिए अगर सिर्फ होम मिनिस्टर साहब ही जिक्र करते तो मैं कहता था ये कुछ कम ही हो गया, लेकिन बीजेपी का शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर है जिसने मैनिफेस्टो के हवाले से बात नहीं की, गुजरात से लेके आसाम तक। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है कि हम नाम बदलेंगे, हरि पर्वत का या शंकराचार्य का? मैंने दोबारा मैनिफेस्टो पढ़ा, मुझे उसका कहीं जिक्र नहीं लगा। बीजेपी ने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम रिजर्वेशन का सिलसिला जो है वो खत्म करेंगे। हमने कहाँ कहा है कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे? सवाल आपसे पूछे बीजेपी ने, 10 सवाल पूछे, वो मुझसे नहीं पूछे, कांग्रेस से पूछे, उन्होंने चुप्पी साधी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा? कांग्रेस हमारे मैनिफेस्टो पे जवाब क्यों दे?